दोस्तों आज हम जिस मेडिसिन पर बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। हाइड्रास्टिस क्या है और उसके क्या क्या फंक्शन है और इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों एंड पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस मेडिसिन के मुतल्लिक। और एक और बात मैं साथ में बताने वाला हूँ कि इसके साथ ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर के जो फवायद हमें मिलने वाले होते हैं वो जाया हो जाते हैं। यानी कि हाइड्रास्टिस का वो मेडिसिन एंटीटोड है। नंबर वन, दो, सर का ऐसा दर्द जो सब कुछ खाने के बाद हमें महसूस हो कि यार अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो इस सूरत में मैं समझता हूँ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके मुस्तफीद हुआ जा सकता है। दोस्तों ये हमारे जिस्म पर बड़े बड़े आज़ा पर बहुत ही कमाल के रिजल्ट रखती है। दोस्त नंबर टू, अगर तो आपके पेट में गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप इस सूरत में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके मुस्तफीद हो सकते हैं। नंबर थ्री, दोस्त अगर तो अल्कोहल के इस्तेमाल से आपका लीवर बहुत ज्यादा वीक हो गया है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप अपने लीवर को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों नंबर फोर, ये कफ कोल्ड और ब्रोंकाइटिस में बहुत ही शानदार मेडिसिन है। नंबर फाइव, ये बवासीर में और IBS में बहुत ही शानदार रिजल्ट रखती है। नंबर सिक्स, दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इस मेडिसिन की बहुत ही शानदार इलामत मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर तो आपके कान से, आपके नाक से, आपके मुंह से, ये कहीं से आपको पीला मवाद निकल रहा हो पस की शक्ल में, तो आप इस सूरत में ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नंबर सेवन, ये कैंसर के फर्स्ट स्टेज में अगर मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। नंबर एट, दोस्त इस मेडिसिन की जो बड़ी इलामत है, चाकू से काट कर रख देने वाला दर्द, चीर कर रख देने वाला दर्द, अगर तो एक शख्स पाखाना खारिज कर रहा है उसको कब्ज है और कब्ज की सूरत में जो पेन होता है वो चीर कर रख देने वाला होता है, और इस तरह के अगर मजीद दर्दे हों और वो आपको चीर के रख देने वाले दर्दों में से महसूस हो तो आप ये मेडिसिन उसमें इस्तेमाल करके मुस्तफीद हो सकते हैं। दोस्त नंबर नाइन, ये औरतों में लेकोरिया के हवाले से बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब डिस्चार्ज होगा, सफ़ेद सा पीला सा मादा आएगा और ये मादा जहाँ भी लगेगा वहाँ पर जलन होगी और विजाइना में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। दोस्तों नंबर टेन, इसके पेशेंट की जो स्किन है वो बिल्कुल पीली होती है और इसका मरीज बहुत ज़्यादा वीक होता है, कमज़ोर होता है और उसको शदीद कब्ज होती है। दोस्त अब वो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से आप पर हाइड्रास्टिस मेडिसिन के असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे सल्फर 30 बादशाह मेडिसिन है, लेकिन अगर ये हाइड्रास्टिस के साथ ली जाए तो ये हाइड्रास्टिस के असर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये एंटीटोड मेडिसिन है। तो आपने बिल्कुल भी हाइड्रास्टिस के साथ ये मेडिसिन नहीं लेनी। अगर तो आप सल्फर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने हाइड्रास्टिस नहीं लेनी, और अगर आप हाइड्रास्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सल्फर नहीं लेनी। और हाइड्रास्टिस की डोजेज भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने इस मेडिसिन के दोगुण पानी में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर को और 10 कतरे आपने शाम को डालकर इस्तेमाल करने हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।